9th फ्लोर से गिरा है ये, इज द केस ऑफ ए ड्रग ओवरडोज। उम्र क्या होगी इसकी? 21 साल का लौंडा है ये। एक्सीडेंट का केस दर्ज करा लो, नथिंग सीरियस। ये उठाओ, आप लोग लोड करो और ले जाओ मुर्दा घर। एक मिनट, प्रेस। थैंक यू। सुनील गुप्ता की मौत से आप लोगों को सबक लेना चाहिए। इसी कॉलेज में रहकर स्पोर्ट्स में उसने बहुत सारे मेडल जीते। अगर यह जहर उसकी जिंदगी में शामिल ना होता तो यकीनन वो अपने नाम को एक बड़ी पहचान देता। मैंने उसके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास देखा था। आज मैं उस सुनील को अपराधी मानता हूं। उसे कोई अधिकार नहीं था इस तरह अपने आप को खत्म करने का। आप सबका जीवन, सिर्फ आपका ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का भी है। आने वाले कल में आप सबको डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और दूसरे जिम्मेदार पदों को संभालकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में हिस्सा लेना है। यह भाषण सुनील गुप्ता की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है सर। जो लोग इस मौत के धंधे से जुड़े हुए हैं उन्हें सजा होनी चाहिए। हम सुनील गुप्ता की मौत का हिसाब लेंगे, हम सब मिलकर मोर्चा निकालेंगे। हाँ हाँ, जब तक वो पकड़े नहीं जाते कॉलेज बंद रहेगा। कॉलेज बंद नहीं होगा। हड़ताल ही हर मसले का हल नहीं है। अपराधियों को ढूंढना और दंडित करना आपका नहीं, कानून और पुलिस का काम है। कौन है अपन के बीच में गद्दार? अपने माल का भाव बाहर किसने निकाला? अपन को अभी मालूम होना मांगता है इसी वक्त। बोलो, अपन प्रॉमिस करता है, अपन को सच सच बोलो, हम बात को आगे नहीं बढ़ने देगा, इधर से दफन कर देगा। बोलो, जोकर मुझे मिल गया है, गेम मैं ओपन करूंगा। जाने दो मोंटू अंकल, अपना ये सब साला आदमी लोग वफादार है। अगर इनमें से कोई चोर होता तो इनके चेहरे पर मौत का खौफ होता। साला हरामजादे की इकलौती औलाद कुत्ते की तरह घसीटता था सड़क पर जब मैंने और ताऊ ने उठाया तुझे और तूने हमारे साथी। भरत भाई, मैंने पैसे के लिए कुछ नहीं किया। अरे तेरा तो टोकन ही निकल गया नारायण। तू तो अच्छी तरह से जानता है कि हम लोग गद्दार के साथ क्या करते हैं। मुन्ना, इसे ताऊ तक पहुंचा दो, इसका कल्याण ताऊ करेगा। इसकी एक जवान बहन भी है, उसे नारी कल्याण केंद्र पहुंचा दो। इसका कल्याण हम करेंगे। गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं होता सेठ। हट, सब अच्छा होता। चलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोक, पीछे को देख। क्या देगा? बिल्ली मर गई सेठ। हाँ, सांप के काटे को धतूरा असर नहीं करता। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। चलो। क्या करने का है सेठ का काम बोल। मेरा आदमी है ना सेठ का,
ए, ए, क्या रामायण सुना रही तू है? मर्द का नाम बोल। नारायण, इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से उब गया, मेरे साथ गद्दारी, ताऊ के साथ गद्दारी। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ सेठ साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैंने पैसे के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग मेरे बच्चे को। साला कब से बच्चा बच्चा कर रहा है, क्या रे हमसे पूछ के पैदा किया था क्या? छोड़ दे लल्ला, तेरी आत्मा अब शरीर के बोझ से थक गई है, उसे नया शरीर चाहिए। मैं उसे मुक्त किए देता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चा। लल्ला जीता हूँ, इसकी मुंडी काटकर हमारे सब आदमियों को दिखाओ, ताकि हमारे बीच फिर कभी कोई नारायण बनने की जुर्रत ना करे। ठीक है ताऊ। मसलूत से बात हुई? बहुत समझाया ताऊ, लेकिन 20 के ऊपर जाने को तैयार नहीं। लल्ला, जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो, वो थन ढीला नहीं छोड़ती। मसूद से हमारी बैठक करवाओ। जी। बस प्रभु, बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया। मैं फिर से किसी की मृत्यु का कारण बन गया प्रभु। अब मैं इस पाप के बोझ को लेकर इस धरती पर नहीं जी सकता। हे प्रभु, तुम तो सबके पालनहार हो, तारणहार हो, मुझ पापी का उद्धार करो प्रभु, मुझे दंड दो प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। रिवॉल्वर, इसमें गोली है, और ये रहा मेरा सर। मैं घोड़ा दबाता हूं, बाकी आप देख लेना। फिर बचा लिया ना आपने। अरे और कितने दिन इस मृत्यु लोक में फंसा कर रखोगे मुझे? मैं सब समझ रहा हूं प्रभु, सब कुछ समझ रहा हूं। आप चाहते हैं कि मैं इस मृत्यु लोक में जिंदा रहकर कुछ और लोगों का इसी प्रकार उद्धार करूं। ठीक है प्रभु, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखना, अपने इस कलयुग के रामायण में केवल रावण का ही साम्राज्य होगा। यहां कोई कौशल्या किसी राम को जन्म नहीं देगी। अंडरस्टैंड? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 60. अरे ये क्या कर रही हो? मेरी पीठ को टेबल समझ रखा है क्या? इन किताबों का बोझ तुम्हारा दिमाग तो उठा ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा शायद पीठ उठा ले। क्या रोज सुबह लगे रहते हो, मसल वसल तो कुछ बनते हैं नहीं। भैया एक बात बताओ, इस हाथ से तुम पापड़ तोड़ सकते हो क्या? शालू की बच्ची। भैया छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना है। मगर तेरा कॉलेज तो बंद है, तुझे जाना कहाँ? पहले बाल छोड़ो फिर बताती हूँ। चल छोड़ दी। हम लोग एक एंटी ड्रग मोर्चे में हिस्सा ले रहे हैं,
पता है मोर्चे को लीड कौन कर रहा है? कौन? यूथ क्लब के प्रेसिडेंट भरत आचार्य। भरत आचार्य? भरत आचार्य, भरत आचार्य, भरत आचार्य, भरत आचार्य, भरत आचार्य। नमस्ते भरत जी, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, आपको फूल देना चाहती हैं। शुक्रिया शुक्रिया। भरत जी, हमारा कॉलेज हर कदम पे आपके साथ है। मुझे आपसे यही उम्मीद है। भरत जी, इतनी कम उम्र में आपने इतने अच्छे अच्छे काम कैसे कर लिए? ये नारी कल्याण केंद्र की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? घर की बाई से। जी मैं कुछ समझी नहीं। बेचारी जवानी के दिनों में विधवा हो गई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी का कल्याण कर दिया। तब से मेरे मन में नारी कल्याण की भावना भड़क उठी। ये बिल्डिंग बनाकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। इस नए केंद्र के अंदर मैं और ज्यादा नारियों का कल्याण कर सकूंगा। मैं अपने देश की किसी भी नारी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे कहना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? ये सब जाती ना, समझाती ना। अरे अगर तेरी वो भी जिंदा होती ना, वो भी, उसे भी भेजता था मैं, उसे भी भेजता था मैं। हट, ए, हाथ पीछे, कोई छोकर हाथ नहीं लगाएगी इस लड़की को। हमारे खास मेहमान आ रहे हैं, इसको खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ और सजाओ। अरे तू मेरी गर्दन के साथ क्या कुश्ती कर रहा है? ये सीधी होने वाली नहीं है। देश विदेश के डॉक्टर इसे सीधा नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? हट। शाबाश भतीजे, शाबाश। अब तो मिनिस्टर की कुर्सी तेरा इंतजार कर रही है। क्यों देशमुख साहब? क्यों नहीं ताऊ, तमाशेबाजी में तो भरत बाबू का जवाब नहीं। एक नेता वाली सारी खूबियां मौजूद है इनमें। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। अरे देशमुख साहब, ये तो पैदाइशी नेता है। 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था। आजादी का दिन बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। उधर तालियों की आवाज और इधर इसके रोने की आवाज। अपना दायां हाथ उठाकर बार बार ऐसे उछाल रहा था। मैं समझ गया, नेता ही बनेगा। अब दिल्ली दूर नहीं था, बहुत जल्द मैं जनप्रिय नेता भरत आचार्य हो जाऊंगा। अरे असली कल्याण तो जनता का तब होगा जब कुर्सी मेरी नीचे होगी। सारी जनता का तो मैं टोकन ही निकाल दूंगा ताऊ। अरे मेरे इकलौते भतीजे, तेरी जीत तो इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही हो जानी है। अभी तूने ताऊ की ताऊगिरी देखी कहाँ है? ये सब फोटो पांडे को भिजवा देता हूँ, कल सभी अखबारों में छप जाएगी। वाह वाह, ये वाह। हेलो ताऊ जी, प्रणाम ताऊ जी। क्यों? हाँ, तस्वीर मेरे हाथ में है। वाह क्या तस्वीर है, बिल्कुल महापुरुषों का तेज है भरत भाई के चेहरे पर। जी हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल फ्रंट पेज पे छाप रहा हूँ। शर्मिंदा कर रहे आप ताऊ जी। अखबार आपका है, हम आपके हैं। जी, जो हुकुम। जी प्रणाम ताऊ जी। अच्छा पांडे जी, तो मैं चलूं? कहाँ जा रही हैं आप? आपके लिए ठंडा मंगाया है, ठंडा पी के जाइए। मैं एक मिनट में आया, बस एक मिनट में आया। आपका काम हो जाएगा। हमारे संगठन को आपसे बड़ी आशाएं हैं पांडे जी। आहा, क्या कहा आपने, आशाएं? आपको मुझसे आशाएं? हाँ। मुझे आपसे आशाएं हैं। ये आशा आशा में ही रिश्ते पनपते हैं, रिश्तों और संबंधों में एक एक मधुरता सी आ जाती है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी समझ को तो आप समझ ही गई होंगी। सर आपने बुलाया? ये क्या किया आपने? ये 7 लोगों के मौत की खबर आपने
15 लाइन में छाप दिया है। हम क्या कोई दुर्घटना विशेषांक निकाल रहे हैं? सर ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स थे, एक हफ्ते में ये सातवीं मौत है और सब मौतें ड्रग से हुई है सर। तो सात आदमी के मौत की खबर से हम अपना अखबार रंग दे? वाह, अरे भाई ड्रग से आज सात लोग मरे हैं, कल बिल्डिंग गिरने से 15 लोग मर जाएंगे और सात लोगों की मौत भूल जाएंगे। इस शहर में एक आदमी की मौत कोई मायने नहीं रखती और हम एक आदमी की मौत नहीं छापते, कोई सुसुरा छापता है बताइए भला? देखिए सर ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इस न्यूज के जरिए हम आप हमें एडिटोरियल सिखाएंगे। सात आदमी की मौत 3 लाइन में छाप के लाइए और सुनिए, फ्रंट पेज में भरत आचार्य की तस्वीर छापिए। भाई एक आदमी समाज के लिए कुछ कर रहा है, समाज को कुछ दे रहा है, तो उसके लिए खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए छापिए इसे, ले जाइए जल्दी कीजिए। नवक्रांति, अच्छा मजाक बनाया क्रांति शब्द का, सात लोगों की मौत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसे छापिए उसे मत छापिए। जाने देना यार, मारता कौन है छापता कौन है इसे तुझे क्या, जैसा चलता है वैसा चलने दे। ज्यादा सोचेगा ना तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तेरी, अपना सोच सिर्फ अपना। ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी जगह है फिर भी? क्या 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 हुआ, ये क्या मेरे सर पे चढ़े जा रहे हो? ए, ए, तू क्या खुद को श्रीदेवी समझ रही है, है? अरे यार फुकट का मगजमारी कर लिया ये, है? भाई साहब वो ठीक तो कह रही है, आप जरा हटकर खड़े रहिए, वो औरत है। अबे बुड्ढे तू क्या इसका बाप लगता है? चला लिया ना हाथ, चाय मैं बना देती ना, आता जाता कुछ है नहीं, सब कुछ खुद करना चाहते हो। भाषण मत दे मुझे, थोड़ा सा गर्म पानी तो गिराए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चलो अंदर बैठो। भैया ये हो क्या क्या है आजकल तुमको, कभी उंगली काट लेते हो, कभी हाथ जला लेते हो और मुझ पर भी गुस्सा बहुत करते हो। तुम्हारा नाम तो प्रशांत ना होके कुशांत होना चाहिए था। भैया अब तुम घर में भाभी ले आओ, वही तुम्हें ठीक रखेगी, वही संभालेगी। अरे बाप रे, पूजा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू प्रिया। सॉरी यार मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं मिस तोड़फोड़, आप आते हो भाई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अगेन। सॉरी यार मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे तो मालूम है मैं एक महीने के बाद आई हूँ ना यार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं वो मैं यार मैं एक महीने के बाद आई हूँ, मुझे जाने देना, मैं तुझे आके फोन करती हूँ, कसम से उसे मिलना है प्लीज। तू बोल क्या रही है? उसे मिलना है ना यार प्रशांत, तू जानती है ना यार। अच्छा देख तू घबराना मत, मैं तुझे जरूर फोन करूंगी, तू डरना मत। हैप्पी बर्थडे यार। माफ करना प्लीज। दस्तक नंबर 1 है तू, डू यू लव मी? आई लव यू, डू यू लव मी?
रे तुझे कैसा
प्रिया कितनी देर लगा दी प्रशांत? वो बस की लाइन में देर हो गई। मैं पूरे एक महीने के बाद आई हूँ, कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हूँ मतलब जैसी थी वैसी हो। ये एक फूल तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, वो मैं बस से उतर रहा था तो एक फूल वाली बेच रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए। कोई चूड़ी? एक हाथ में है साहब। चप्पल? मंगलसूत्र? चप्पल भी नहीं है साहब। मंगलसूत्र बोला ना, मंगलसूत्र है क्या? मंगलसूत्र भी नहीं है साहब। तो ऐसा बोलना फिर। लाश को मॉर्ग में पहुंचा दो। अच्छी बात है साहब। क्या है रे, बीच में क्यों खड़ा है? तेरे घर पे कभी कोई मरा नहीं क्या? कभी लाश नहीं देखी क्या? चल हट यहां से। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको किसी आम आदमी पे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तेरा क्या है, कौन है तू? मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूँ, प्रशांत वर्मा नाम है मेरा। हाँ हाँ, तुम जो भी हो, हमें अपना ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना। अब ये लोग यहाँ पे मंजमा लगाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? तमाशा ही तो हो रहा है। ये लिखा पड़ी, ये जांच पड़ताल, ये सब एक ढोंग है, एक नाटक है। क्या होगा इससे? क्या कर लेंगे आप लोग? बस एक और फाइल बनाकर अपने ऑफिस को सजा लेंगे, और क्या कर लेंगे? भैया घर चलो प्लीज। भैया तुम्हें मेरी कसम। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, अपने अपने घर जाओ। प्रशांत गुरु जी। अरे अरे गुरुजी, मेरी बहन शालू। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। अपनी बहन को लेकर आओ कभी मेरे घर, यही पीछे बस्ती में रहता हूँ मैं, भारत नगर में। स्कूल में पढ़ाया मैंने इसे। अच्छा। लेकिन स्कूल में तो तुम बहुत ही डरपोक और तब्बू किस्म के थे। तुम्हें याद है एक मोटा सा लड़का तुमसे अक्सर बिस्कुट वगैरह छीन लिया करता था, और डर के मारे तुम मुझसे शिकायत भी नहीं करते थे। प्रशांत तुम्हें तो मैं तुम्हारी आंखों से पहचानता हूँ, भूला नहीं हूं मैं इन्हें। हमेशा डर देखता था ना इनमें, लेकिन अब इनमें बड़ा आक्रोश उभर आया है। इस आक्रोश को मरने नहीं देना। तुम आजकल बहुत ही कम आंखों में दिखाई देता है। बहाव को बहने की दिशा दो प्रशांत, क्योंकि जब कोई बांध टूटता है तो सैलाब ही आता है। शांति देवी जी। ये महिलाएं इतनी मेहनत से काम करती हैं, इनका बैंक में जाके सेविंग अकाउंट खुलवाइए। जरूर। दो पैसे बचेंगे तो इन्हीं के काम आएंगे ना, और चाहिए तो बैंक मैनेजर से मेरा नाम ले लेना, ठीक है? जाइए। अरे आप लोग, नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। भरत जी, वो कल्याणी जिसकी लाश कुएं से निकाली गई, वो आपके कल्याण केंद्र की सदस्य थी ना? जी हाँ, पिछले दिनों में हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया था। यहाँ पर हर महिला का मेडिकल चेकअप होता है। हमने उसके दिमागी इलाज का भी बंदोबस्त किया था, लेकिन उसे पहले वो हमें छोड़कर चली गई। क्या वो उस हद तक पागल थी कि खुद को चोट पहुंचा सकती थी? मतलब नहीं समझा मैं आपका। उसकी लाश देखी है मैंने, उसके मुंह और गले पर चोट के निशान थे। ये सवाल अगर आप पुलिस से करें तो बेटर है ना? जाहिर है रिपोर्ट में उन निशानों का जिक्र तो होगा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो तुम? शहर की तमाम मौतों की तरह इस मौत को भी एक हादसा, एक दुर्घटना बनाकर पुलिस छुट्टी पा लेगी। वो इस बात की तय तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उस लड़की का नाम आपके कल्याण केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। वो दरअसल बात आ रखा था, वो अपने आप मैं टकरा गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप है कौन? मैं प्रिया हूँ। प्रिया, प्रशांत है अंदर। प्रशांत? वो मैं उसके साथ ऑफिस में काम करती हूँ,
अच्छा अच्छा ऐसी अब बैठिए ना प्लीज सिट डाउन श्योर श्योर अब प्लीज आई एम सॉरी वो क्या कि मैं बैठ जाती हूँ आप क्या काम करती हैं जी बस यही तोड़फोड़ नहीं ये हमेशा नहीं होता ये तो बस कभी कभी हो जाता आप हाँ बैठी रहिए प्लीज आप उठिए मत आप क्या तोड़ दिया शालू तुम आपके ऑफिस में काम करती है हाँ वो तीन लड़कियां मेरे ऑफिस में जो काम करती थी मैंने बताया तो था तुम्हें उनके बारे में ये नीता रजनी और रोजी ये नीता है ये नीता नहीं है भैया ये चौथी है प्रिया 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 के बारे में तो मैं भूल ही गया था कैसी हैं आप प्रिया मैं कपड़े बदल के आता हूँ वो मैं अंदर वो क्या के ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है बात करनी थी उनसे थैंक यू प्रशांत यहाँ क्यों आई हो तुम तो मैं शालू को बता दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बता दूं वेट ए नहीं नहीं चार बजे ठीक चार बजे तुम बहुत जिद्दी हो ये कोई तरीका मुझे ऑफिस से निकालने का ऊपर से हंसती हो क्यों कहा था ना कॉफी आने से पहले प्रशांत यहाँ जाएगा और आ गया मारी दीकरी पूनम ने दीवा से जन्मे ली अरे तारी भाई माने अमावास ना दीवा से मले ली अरे उधर क्या देखता है इधर देख बच्चे ने तोड़ डाला है ये मेरा लड़का है तेरा पूरा रेस्टोरेंट भी तोड़ डालेगा ना उसका हम पैसा देगा ऑर्डर लिख क्या खाएगा सब कुछ खाएगा जा ले क्या धीरे धीरे प्यार को बराना है हद से गुजर जाना है अरे तू अर्जुन शर्मा इतने अर्जुन नानी लागे आई लव यू भाई घोड़ा निकाली हनाने से अच्छा इधर अलाउड नहीं है चलो बाद में गाना गाएगा पहले खाना लगाओ खाना खाओ चलाओ चलाओ चलो बच्चा लाओ चलाओ चलाओ झपाटा मारो चलाओ खाना खाओ अरे बच्चू ररी रहे लुछे जरा दूध तो पीऊ कब से मैं रो रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं पिलाने का चल भाई काम कर कट्टा है तू कहीं समझ नहीं पाती मगज में आवे हम बोले हाँ निकला हाँ मुश्किल से तेरी माँ को तैयार किया था बीच में तू रो दिया एक तो वो है और एक तुम हो लल्लू कहीं के दूर दूर भागते हो मुझसे हाँ अभी तो उनके खेलने कूदने के दिन है ना लगता है कुछ करना पड़ेगा क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या प्यार करना तुझको समझाऊं मैं दिल लगा के तुझसे बेमौत ना मर जाऊं मैं दिल लगा के तुझसे I'm
ज्यादा ही हो, बस तुम ठीक हो ही रहे थे कि तुमने मुझे उठा दिया। कुछ भी बोलती है। ठीक ही तो कह रही हूँ। बस अब तुम फटाफट डैडी से मिल लो, एक बार लाइसेंस मिल जाए फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। कैसा लाइसेंस? शादी का। प्रिया, पहले मुझे शालू की शादी करनी है, बस उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो एक अच्छा सा लड़का देखकर। वो तो मैं समझती हूँ प्रशांत, लेकिन एक बार डैडी से मिलके बात तो पक्की कर लो। ऐसा ना हो वो मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे दे और तुम हाथ मलते रह जाओ। मगर तुम्हारे डैडी इतने बड़े वकील हैं, समझ में नहीं आता उनसे बात कैसे करूं। देखो, जब डैडी तुमको घर पे मिलने आए ना, तुम बिल्कुल मत डरना। हाँ, उनको कहना, देखिए वकील साहब, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ जी? ये प्रशांत का घर है? जी हाँ। प्रशांत है घर में? जी हाँ, आप बैठे ना। जी, आप नमस्ते। प्रशांत जी, सर आइए ना। हाँ हाँ, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, अब तो एक तरह से यह घर भी मेरा ही है। प्रिया तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती। बहन है तुम्हारी? जी। क्या नाम है? जी शालिनी। माँ बाप के बिना तुमने अपनी बहन को भी पाला है और खुद को भी। दुनिया में जो हालात से जूझ कर अपने आप को संवारते हैं, वही लोग तो एक मिसाल होते हैं हमारे समाज के लिए। मुझे ये घर भी अच्छा लगा क्योंकि तुमने इसे अपनी तदबीर से संभाला है, संवारा है। मेरी सोच में एक दामाद की जो कल्पना थी वो तुम हो प्रशांत। हाय डैडी। प्रशांत मेरा दामाद नहीं बन सकता, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूं। वो अखबार के दफ्तर में काम करने वाला एक मामूली आदमी। डैडी, आप प्रशांत को अपनी हैसियत से तोड़ रहे हैं। मैंने प्रशांत को अपनी मन की आंखों से देखा है डैडी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम तो कविता करने लगी?
ये जो तुम बयान कर रही हो ना, ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं, एक बेवकूफी है जो इस उम्र में अक्सर हो जाया करती है। आप अपना फैसला मुझ पर नहीं थोप सकते डैडी, मेरी शादी प्रशांत से ही होगी। बकवास बंद करो, जिंदगी के फैसले जज्बात की बिना पर नहीं होते। कितनी शान शौकत से पली हो तुम इस घर में, मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं कर सकता। ये सच है कि आपने मुझे बहुत प्यार बहुत खुशियां दी है, मगर डैडी मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं समझती। मैं उसके साथ हर हाल में जी लूंगी, मैं प्रशांत के अलावा और किसी के साथ नहीं। डैडी आप इतने कठोर नहीं हो सकते, आप मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते। मैं मर जाऊंगी डैडी, मैं मर जाऊंगी। देखें तो आंसुओं से भरी आंखें कैसी लगती हैं? मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारे प्यार की। वैसे प्रशांत मुझे भी अच्छा लगा, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। Thank you.
बहन, किधर से आता है तुम इतना रात को? कौन सा नवा लफड़ा चलता है तुम्हारा? कभी सुबह जाता है, कभी रात को आता है, कुछ खबर ही नहीं है। और वो उधर क्या बोलता है, गैरेज में भी नहीं जाता है मैन, किधर रहता है तुम बोलो ना। ए, क्या लेता है तू? कौन सा नशा लेता है? ये लेता है मैं तुम? तेरे को खबर है ये क्या है? जहर है ये जहर, आदमी को खलास कर देता है, समझा? तू मर जाएगा, मर जाएगा तू। हाँ मरने का है मेरे को, मरने का है। तेरे को आज पता चला कि ये जहर आदमी को खलास कर देता है, ताऊ के साथ मिलकर यही जहर बेचता है तू। मैं मरेगा, मरेगा, मैं मरना चाहता हूं मैं। फ्रांसिस, मैं मरूंगा। फ्रांसिस, दरवाजा खोल। फ्रांसिस, पर गौर से प्लीज दरवाजा खोल। उफ, ताऊ के साथ मिलकर यही जहर बेचता है तू। उफ, अब मैं मरेगा, मरेगा मैं। नो, तूने आज मोंटो का आंख खोल दिया। हमारा बच्चा बिल्कुल सच बोला गॉड, हम बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाहगार। अपने पापों का प्रायश्चित कर मंटो, ताऊ को सजा दिलाकर और घरों को तबाह होने से बचा ले। नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी उस पे, हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी, अच्छा। ताऊ ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? कांति भाई ने हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया, पिछले साल उसे रिटायर कर दिया। जूनागढ़ में 2 एकड़ जमीन लेके दी, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रह रहे हैं। चिट्ठी आई थी, पोता हुआ है, कांति भाई का पोता, हमारा पोता। हमने कहा कि इसी खुशी में लड्डू बांट दिए जाए। ताऊ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लल्ला, जाओ। बोल। कांति भाई हमारे सब राज जानता है ताऊ, और वो हमारे लिए किसी दिन फांसी का फंदा बन सकता है, और आपने उसे जूनागढ़ में जमीन ले ली। लल्ला, लगता है कि जब तू पैदा हुआ था, दाई ने तेरी नाड़ी काटने के बजाय अक्कल काट दी। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में है। मुक्ति घर में ताऊ? ये है मुक्ति घर। जब हम किसी को रिटायर करते हैं तो वो सीधा ऊपर चला जाता है, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है उसे। ये है कांति भाई का जूनागढ़। 2 एकड़ जमीन नहीं, 2 गज का खोली। मेरे खिलाफ कुछ करने चला था, यहां लाकर सजा दिया। ये है मुन्ना, मुन्ना कालिया। लगता है कि हाथ में चाकू लेकर पैदा हुआ था, एक नंबर का चाकूबाज, यूं पेट में चाकू डालकर घुमा देता था। एक बार शनि की दशा में आ गया, मैंने डालकर घुमा दिया। ये है रमणीक लाल, वकील, कानून का आदमी।
एकदम कड़क काला कोट पहनकर घूमता था। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया और ये रहा हमारा नारायण। मुंडी नहीं है, तूने ही काटी थी ना लल्ला। और यहां कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है। मोंटो रिटायर हो रहा है ना? मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, उसके हाथ कांपने लगे हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। साहब साहब, अपन मोंटो बोलता है। कौन मोंटो? ताऊ का आदमी। अपन ताऊ के बारे में कुछ आपको बोलने को मांगता है। हेलो, कहां से बोल रहे हो तुम? सब ये ब्लड पियर है ना, उधर का जो पेट्रोल पंप है, हम उधर से बोलता है। बचा लो मुझको, वो लोग मुझको मार डालेंगे। प्लीज गौर से बचा लो, कुछ करो। Want to uncle? इतने साल ताऊ के साथ काम करने के बावजूद तुम ताऊ को पहचाने नहीं। खैर, हम तुम्हें पहचानते हैं। तुम कब खाते हो, कब पीते हो, कब हकते हो, कब मूतते हो, हम सब जानते हैं। ये इतने सारे लोग जो सामने खड़े हैं ना, ये सब तुम्हें मारने के लिए नहीं है, इन सबको दिखाना है कि ताऊ के खिलाफ हमारे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। आज तुमने मुझे बहुत डर लगता है। एक तो पता नहीं आज लाइट को भी क्या हो गया, सुबह से 3 बार जा चुकी है। खाना गरम करूं? नहीं। क्यों?
भूख नहीं है। भूख नहीं है? सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया, मैं गर्म करती हूँ। खाना नहीं? अरे ऐसे कैसे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। बोला ना भूख नहीं है, रटपट लगाया करो हर बात की, बहुत जिद करने लग गई हो आजकल। देर हो गई है, जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। परेशान थे, मैंने आपको ज्यादा परेशान किया। क्या परेशानी है आपको? कुछ नहीं। ताऊ के खिलाफ पुलिस को खबर करने जा रहा था। ताऊ के खिलाफ मत्ती मारी गई थी उसकी। अरे मैं तो गद्दार का सारा खानदान ही खत्म कर देता हूँ, लेकिन तेरे बाप ने एक काम बहुत बढ़िया किया, एक ही औलाद पैदा की। आजकल गोलियां भी बहुत महंगी आती हैं। लारे लल्ला। प्रभु वाह, देखा 22 साल का नौजवान था, अभी जिंदगी देखी कहां थी उसने। मैंने गोली दाग दी उसके सीने में, वहीं सो गया। अब और कितने पाप करवाओगे मुझसे भगवान, बहुत हो गया, टू मच। मुझे उठा लो भगवान, अब मुझे उठा लो भगवान। प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। आज जैसे बहुत आगे गए। अरे मालिक के हक की बात कीजिए, मजदूरों के हक की बात करते हैं, मजदूरों की अजाई बात मिली। सर सर ये मोंटो का कत्ल। सर सर मोंटो का एक्सीडेंट। सर जब तक पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसे एक्सीडेंट बना के नहीं छाप सकते। सर ये गलत है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर क्या बता रहे हैं आप, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, मोंटो बाहर आइए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर सर ये मोंटो जिसकी बलाटपियर में हत्या हुई, इसकी इंक्वायरी अभी तक चालू है, फिर हम इसे एक्सीडेंट कैसे बना सकते हैं। अरे भाई जो है वही दिखा रहे हैं ना, दौड़ा था की गाड़ी के नीचे आ गया और क्या। सर ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। मेरा मतलब जब तक ये इंक्वायरी चालू है तब तक हम तब से खामखा इस बात को खींचे जा रहे हैं, समझे आप। कमिश्नर देशमुख से मेरी डायरेक्ट बात हो चुकी है और आप बकवास किए जा रहे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? ये अखबार कौन चलाता है, मैं या आप? जाके अपना काम कीजिए, समझे आप। ना।
मैं तब से बात कर रही हूँ, तुम्हें सिर्फ देख ही नहीं रहे हो, कहाँ कहाँ देखते रहते हो, पता नहीं मैं भी नहीं बात करती तुमसे, जाओ। सुनो ना, तुम सुनते क्यों नहीं हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम कुछ बताते भी क्यों नहीं हो, आजकल देखती हूँ मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो, यही हाल अभी रहा तो बाद में क्या होगा, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। क्या टांगे हैं, अगर टेलर मास्टर थोड़ी सी और कंजूसी कर देता ना तो कसम से मजा ही आ जाता। जाने दो ना, अंदर लफेगा, कंप्लेंट तो बहुत देखा, लफड़ा पहली बार अंदर देख रहा हूं, क्या रे बहुत चर्बी चढ़ी का तेरे को, मुझसे क्या पूछता, उससे पूछ, पूछ अभी औलाद से क्यों मारा मैंने उसे, तुम लोगों की मेहरबानियों की वजह से ये लोग पल रहे हैं, बंद कर दो साले को, एक बार जेल जाएगा सारी गर्मी निकल जाएगी, मुझे बंद करने से क्या होगा इंस्पेक्टर, होश में आ, मतलब समझ इस कुर्सी का, इस शहर में जो मौत का तांडव हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम लोग हो, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब, सुन रहा है तू, इंस्पेक्टर साहब उस गुंडे ने इनके साथ बदतमीजी की थी तभी प्रशांत से उसकी हाथापाई हुई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस गुंडे ने मेरे साथ बेहुदा हरकत की। देखिए आप लोगों के कहने पे छोड़ देता हूँ इसे। समझा देना इसे, अगली बार गुंडागर्दी की ना तो दो चार महीने के लिए अंदर जाएगा। साइन करें यहाँ पे। अभी तुम्हारी उम्र ही ऐसी है प्रशांत, तुम्हारी आगे पीछे सोचने की समझ पकी नहीं है, समझ जाओगे। मैं कुछ परवाह नहीं करता सर, मोंटो का कत्ल मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे उसे भरत आचार्य ने इतनी बेरहमी से, मैं कुछ भुला नहीं पा रहा हूं सर, मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं सर, यह बात अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मोंटो की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर रह जाएगी सर, यह सच मैं पुलिस को बताऊंगा, बताऊंगा सर। तुम्हारा यह सच तुम्हारी बहन के लिए अभिशाप बन जाएगा प्रशांत, मुझे भी पहले सच्चाई और आदर्श बहुत त्रास आते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह सच्चाई के बारे में बातें करते हुए मेरी आंखों में चमक आ जाती थी। एक दिन कॉलेज में चार लड़कों को नकल करते हुए मैंने पकड़ लिया, मुझसे कहा गया कि उनमें से एक को छोड़ दो क्योंकि वो कॉलेज की कमेटी के चेयरमैन का लड़का है। मैंने एतराज किया क्योंकि मेरे लिए तो चारों विद्यार्थी एक समान थे। मेरे उस दुस्साहस का मुझे इनाम मिला, मुझे कॉलेज में से निकाल दिया गया
मेरी पत्नी ने दरवाजे पर खड़े होकर मेरा स्वागत किया गर्व के साथ, इसी पत्नी ने, और अब पूछो इससे कितना भुगतान कर चुकी है ये मेरे आदर्शों के लिए। क्यों पड़ी है बेचारी तुम्हारे सच की लाश, और ये देखो मैं इन्हें बेचने जा रहा था ताकि चार गोलियां खरीद सकूं जिससे मेरी पत्नी की तकलीफ कम हो जाए, इससे बड़ा सच तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे सच की यह पहचान बता रहे हैं सर, तो फिर क्या मतलब है उस पाठ का जो आपने मुझे सिखाया था? आप ही ने तो मेरी जिंदगी की बुनियाद में संस्कारों की ईंटें रखी थी सर, क्या वो सब झूठ था, फरेब था? अगर वो सब झूठ और फरेब था तो मैं पूछता हूं हमें हमारे संस्कारों में ऐसा झूठ और फरेब क्यों सिखाया जाता है सर, बोलिए। सर आप मुझे मेरी इन आंखों से पहचानते हैं ना, तो फिर देखिए इन आंखों में, देखिए सर। बस तेरी सहन शक्ति का बांध टूट गया है प्रशांत, लेकिन जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो आग का रास्ता है। ए कहां जा रहा है? मुझे देशमुख साहब से मिलना है। साहब लंच कर रहे हैं, तुम नहीं मिल सकते। मुझे अभी मिलना है, चलो बाहर। प्रशांत वर्मा नाम है मेरा, मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूं। सर मैं आपको एक कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मात्रे तुम लोग जाओ। किस कत्ल की बात कर रहे हो तुम? मोंटो प्लाट पेयर पे जिसकी लाश मिली थी उसका कत्ल भरताचार्य ने किया है। मैं वहां मौजूद था सर। हाँ मगर कत्ल के केस में एक चश्मदीद गवाह की क्या भूमिका होती है, ये समझते हैं आप? मैं सब समझता हूँ, मैं कोर्ट में भी बोलूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। प्रशांत जी हमें बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे नौजवान आज भी शहर में मौजूद हैं जिनमें पुलिस की मदद करने का जज्बा है। हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए, आपको बयान के लिए बुला लिया जाएगा। ताऊ, देशमुख का फोन। हाँ देशमुख साहब जी। अरे देशमुख साहब ये भी कोई बुरी खबर है? मैं खुद ही उसे बुलाकर बात कर लूंगा, मुझसे मिलेगा तो समझ जाएगा। क्या हुआ ताऊ? इस शहर में बेवकूफों की कमी है क्या? बेचारा प्रशांत। कौन आप लोग, क्या कर रहे हो? बोलो मुझे। तो हमारा भाव तुम्हें नहीं जम रहा है? सीधे से कहो ना मसूद भाई, हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो? एक बात कहो, गांठ बांध लो, सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। पांडे जी खेल में अपनी चाल के साथ साथ दुश्मन की चाल पे भी नजर रखनी चाहिए, जरा सा ध्यान चूका कि एक दो तीन। प्रशांत, प्रशांत साहब। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 23, 24? तो उस रात तुमने मोंटो का कत्ल होते देखा? ये शहर कुछ ठीक नहीं है प्रशांत बाबू, इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देशमुख के पास गए थे ना तुम, गवाही दोगे? भरत आचार्य भतीजा है मेरा,
ताऊ का भतीजा, नाम सुना है ना मेरा? हाँ हाँ, बहुत नाम सुना है तेरा। शहर के लोग तेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तू शराफत का नकाब पहनकर निकलता है। मगर मैं तेरी असलियत जानता हूं ताऊ। तू एक ऐसा शैतान है जिसे ऊपर वाले ने गलती से इंसानी शक्ल में नीचे भेज दिया हो। तुझे कोई स्पेशल भेजा है? तू कहां बकवास करता है रे? ये कोई तरीका है शरीफ आदमी से बात करने का? भला बताइए, सारा शहर जिसे पूछता है। सारा शहर नहीं, तुझ जैसे लोग। इसकी पूजा वही करते हैं जिन्हें ये अपने गुनाहों का हिस्सेदार बनाता है। प्रशांत, चिल्लाओ मत ताऊ। मैं तेरी शैतानी हुकूमत को खत्म कर दूंगा ताऊ। मैं तेरे चेहरे से शराफत का नकाब नोच डालूंगा ताऊ। तेरी तो लल्ला। लल्ला, नए खून में इतनी गर्मी तो होनी ही चाहिए। जब तक बैल की नाक में नकेल ना पड़े, वो सूजे की धार नहीं पहचानता। नादान छोकरे, तू अभी तक ताऊ को पहचानता नहीं। मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं कि मुझे देखने के लिए गर्दन इतनी ऊंची उठानी पड़ती है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसे गौर से देख ताऊ, कितने टुकड़े हो चुके हैं इसके, जबकि मैंने इसे सिर्फ इतनी ऊंचाई से फेंका है। और तू, तू तो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, बहुत ऊंचाई पर। क्या क्या करेंगे आप? कर क्या लेंगे आप? आप तो हम कितनी बार बोल चुके हैं, इस अखबार से आपका कोई वास्ता नहीं। मैं इस अखबार से जुड़े रहने की अर्जी लेकर नहीं आया, मैं तो अपने गिरवी पड़े जमीर को यहां से छुड़ाने आया हूं। पांडे, तेरी करतूतों के लिए शायद ऊपर वाला तुझे माफ कर दे, मगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा था जो सच्चाई के नाम पर गाली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप समझते क्या अपने आपको? गुंडे ही दिखा रहे हैं? अरे हमने अच्छे अच्छे गुंडों को यहाँ नाक रगड़वाया है, समझे आप? अब क्या है, क्या है आप? ऊंचा बोलकर आज तक तूने मेरी आवाज को दबाया है। ये देख, देख इन्हें, यहां बैठा हर आदमी अपने गले में आक्रोश का कैंसर पाल रहा है। झोंक दिया इन लोगों ने अपने आप को हालात की आग में, इसीलिए इनकी घुटी हुई आवाज तेरी ऊंची आवाज के सामने दब जाती है। मगर यहां अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि इन हाथों में तेरे इशारों पर नाचने वाली कलम नहीं, ये बिल्कुल खाली है। अगर ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठे, तो इनकी पकड़ में सबसे पहली गर्दन तेरी होगी। क्यों भाई प्रशांत बाबू, क्या हुआ? नौकरी से हाथ धो बैठे ना? जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर ताऊ, सिर्फ अपने पापों का हिसाब कर ले, क्योंकि अब तेरा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। प्रशांत बाबू, दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीजें मुलायम खानी चाहिए, चने चबाने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। बात पते की है, गांठ बांध लो। चलो ड्राइवर। तुम खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कोई दूसरी नौकरी की नहीं। नौकरी की नहीं है प्रिया, बात आज मैं खुद को अपने सामने रखता हूं तो एक ही सवाल उठता है,
आखिर मैं हूं क्या? एक प्रशांत वर्मा की पहचान क्या है? बचपन से मैंने अंदर एक डर को पाला है। मां के मरने के बाद इस डर ने पूरी गहराई से जड़े जमा ली। शालू की जिम्मेदारी सर पर, एक ही मकसद रहा जिंदगी का, शालू। मैंने अपने अंदर के एहसास को मार डाला। तमाम लोगों की तरह तमाशाई बनकर मैंने इस शहर में गुंडा ताकत का नंगा नाच देखा है। खून खौलता था मेरा, मगर फिर वही शालू का चेहरा। दुल्हन बने शालू को बाप मां बनकर मैंने ही विदा करना है ना? यही बात चिपक गई मेरे दिलों दिमाग में। मैं कुछ देखने सुनने लायक रहा ही नहीं। प्रिया, मैं आज ये जान पाया हूं कि मेरे अंदर इस डर के साथ साथ नपुंसकता पल रही थी। इसी सिग्नल पर अखबार बेचा करता था मैं, सारा दिन हत्याएं और बलात्कार बेचता था, और जब सारे दिन की कमाई रोटी की शक्ल में सामने आती थी और मैं अपनी शालू को एक निवाला खिलाता था तो भूल जाता था कि मैंने इस रोटी के लिए क्या बेचा है। फिर मैं एक अखबार का उपसंपादक बना। जो बेचता था वही छापने लगा। वहां मैंने देखा कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाता है। मैंने देखा कि सच की डींग मारने वाले ये नवक्रांति की औकात ताऊ की रखेल जैसी है। उसी की वहां चलती थी, औरों की तरह मैं भी सब देखता रहा। प्रिया, आदत डाल ली मैंने सब देखने की। यहां तक कि उस रात दूर खड़ा मैं मोंटो का कत्ल भी देखता रहा। प्रिया, इतनी बेदर्दी से उसे मेरी आंखों के सामने मार डाला और मैं, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो मुझसे मदद चाहता था, मगर मैं, वो आंखें मैं भुला नहीं पा रहा प्रिया, नहीं भुला पा रहा। और फिर मेरे ही आंखों के सामने, मेरे ही अखबार में उस कत्ल को एक्सीडेंट बनाकर छाप डाला, क्योंकि कत्ल करने वाला भरत आचार्य ताऊ का भतीजा है। मुझे घृणा आने लग गई अपने आप से। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस सच को नंगा करूंगा। और अब बहुत हो गया प्रिया, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं इस बात को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं इसी शहर में रहूंगा प्रिया, यही, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रिया, मैं अपने अंदर के छुपे हुए पुरुष को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। शायद वो किसी कोने में, वो जिंदा बचेगा तो कोर्ट में गवाही देगा ना। साले का टोकन ही निकाल देता हूँ। आपको मारकाट के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? पहले क्या कम मुसीबत खड़ी कर दी आपने? कल्याणी का मामला अभी दबा नहीं है, एक पत्रकार को मार देंगे आप? उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे दूसरे शहर में। ताऊ जी, देशमुख ठीक कह रहा है। ऐसे भी इससे भरत जी के पॉलिटिकल इमेज पर फर्क पड़ सकता है। बेहतर होगा कि हम उसे किसी मसले में उलझाकर कानून के लपेटे में ले। क्यों रे, क्या किया तूने? मेरे गरेबां पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबां पे हाथ डाला। लल्ला, उठा के बाहर फेंक दे इस दिलावर को। चल साले बाहर। खून तो मेरा भी खोल उठा था जब उसने मेरी ही बैठक में आकर अपने तेवर दिखाए थे।
उसे मौत नहीं देनी है तो उसे मौत के खौफ से डराओ। अपने ही खून का रंग देखेगा तो जोश का उबाल ठंडा हो जाएगा उसका। अभी कल सुबह आना। सुबह तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे बाबा क्यों नहीं समझता है? मैंने बोला ना सब सो रहे हैं। जगा दे वरना मैं जगा दूंगा। देशमुख, ओ डीसीपी देशमुख, बाहर निकल। ये क्या हो रहा है? अरे बात क्या है, शोर क्यों मचा रहे हो? ये देख देख, ये इनाम मिला मुझे पुलिस की मदद करने का। ना मर्दों की तरह अंधेरे में वार किया है ताऊ के आदमियों ने मुझ पर। कल सुबह ऑफिस आ जाना, फिर बात करेंगे। अरे तुम क्या बात करोगे मुझसे? तुम्हारी औकात में जान गया हूं। दूसरों की तरह तुमने भी ताऊ के नाम की चूड़ियां पहन रखी है। प्रशांत, हाँ यही औकात है तेरी। ये खून गौर से देख देशमुख, ये खून नहीं तेजाब है। तेजाब जमीन पे गिरा इसका एक एक कतरा एक ज्वालामुखी को जन्म देता है। और तुम लोगों ने तो मुझे घाव ही दे दिया है। ये एक आम आदमी का खून है देशमुख। ये जब बहता है तो अच्छे अच्छों की कुंडली पलट देता है। भैया आज तुम ऑफिस से जल्दी आने वाले थे ना? वो हाँ हाँ, तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा काम। देखो आज खाने से पहले तुम्हें ये बातें पूरी करनी ही पड़ेगी। सुबह से मैंने सारे कॉइंस वैसे ही रखे हुए हैं। चलो देखो। मैं नहीं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं हमेशा हार क्यों जाती हूँ। जब भी मेरा जीतने का मौका आता है तुम गेम छोड़ के भाग जाते हो। आज देखती हूँ। तू क्या सोचती है, तू जीत जाएगी? बिल्कुल, सोच ले। अरे तुम खेलो तो सही। चल। चीटिंग तो नहीं की ना तूने? बारी किसकी थी? मेरी 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 थी। अरे तुम्हें याद है? चलो भाई तुम्हारी सही। अरे कुछ नहीं, वो बस की सीट पे कील थी ना, चुप गई। डॉक्टर के पास होके आया हूँ मैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई। खाओ मेरी कसम, चोट तुम्हें बस में लगी है। तू पागल है, बात बात पे कसम देती है। छोड़ इतनी छोटी सी बात। तुम्हारा खून और छोटी सी बात। चल चल, भूख लगी है, चल खाना गर्म कर। आज मैं शॉपिंग गई थी, ये देखो कैसा लग रहा है। अच्छा है। बस सिर्फ अच्छा ही लग रहा है। क्यों मुंह फुलाए बैठे हो प्रशांत? थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, दो चार प्यार भरी बातें करो। क्या बातें करूं? ये तो सब होते रहता है प्रशांत, जिंदगी में उलझने और परेशानियां तो आती ही रहती हैं। ये तो चलता ही रहता है। और फिर मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? ए, कुछ करने को मन नहीं कर रहा? क्या करने का?
ये करने को। क्या कर रही हो, छोड़ो। लगता है जनाब के होश उड़ाने ही पड़ेंगे, तभी कुछ होगा। चलो आंखें बंद करो, और जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। अब तुम देख सकते हो। आपको देख कर हमको ऐसा लगा जैसे हमको नई जिंदगी मिल गई। तू मेरी दिलरुबा, रब से मांगू मैं क्या, हमको सारे जहां की खुशी मिल गई। आपको देख कर
सनम हम निभाएंगे। थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या खाक ठीक कर लेंगे आप? अरे वो मामूली सा छोकरा, दो टके का लौंडा प्रशांत हमसे टकराने की जरूरत कर रहा है, और तुम्हारी पुलिस। आप लोग चाहते क्या है आखिर मेरी नौकरी? अरे तुम्हारी नौकरी का टोकन नहीं निकलेगा देशमुख। प्रशांत की एक नन्नी मुन्नी प्यारी सी बहन है जो उसकी कमजोरी है। अब देखना यह है कि उसे अपनी बहन की जिंदगी से प्यार है या अपनी सच्चाई से। एकदम सच कहा भतीजे, हमारे दद्दू कहा करते थे कि सांप को हमेशा मुंह से पकड़ो, तुमसे नहीं। शालू, 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 शालू। चाची दरवाजा खोलो। चाची क्या बात चाची, है बेटा? मेरी शालू को देखा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई साहब क्या है? भाई साहब मेरी शालू को देखा आपने? नहीं भाई, मैं तो नाइट ड्यूटी करके अभी आया हूँ यार, मुझे कुछ नहीं मालूम। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब आपने मेरी शालू को देखा? नहीं मैंने शालू को नहीं देखा। इतनी दूरी पे इतनी तोड़फोड़ हो गई और आप कहते हैं मेरी शालू को नहीं देखा आपने? मैंने कुछ नहीं देखा, सोने देना यार। ये सब सोले ले, मरे ले, मरे ले। ताऊ के आदमी आए थे, तेरी बहन को लेके चले गए। ये जय जयकार मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तो एक मामूली सा तुच्छ पुरुष हूं। राम की लीला क्या है ये आप सब जानते हैं। मैं तो बस एक बात कहता हूं कि ये लीला कोई तमाशा नहीं है। जरूरत है राम को देखकर राम जैसा बनने की कोशिश करना, उनके आचरणों को अपने जीवन संग जोड़ना, तब तो ये रामलीला देखने दिखाने का कोई मतलब है, वरना सब बेफजूल है। आजकल सुनने में आ रहा है कि विलायत से ये माल आ रहा है, विलायत को वो माल जा रहा है। अरे किसी को होश है कि भारत वर्ष कहां जा रहा है? कहां है वो राम राज्य? तेरे मुंह से राम राज्य की बातें शोभा नहीं देती ताऊ, क्योंकि कुकर बाबू तूने उस रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। बोल मेरी बहन कहां है? तूने मेरी बहन को उठवाया है, रोको इस हरामजादे को। रोको इस छोकरे को, रोको इसे।
मर जाओ। ताऊ मेरी बहन मुझे वापस कर दे। ताऊ ले जाओ इस जलावर को यहाँ से। तेरी कभी ना छोड़ो मुझे। मेरी बहन मुझे वापस कर दे। ताऊ ताऊ मेरी बहन कहाँ है? तूने मेरी बहन को उठवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर इसने मेरी बहन को उठवाया है, छोड़ दो मुझे। मैं इस कभी ना को छोड़ूंगा नहीं। डाल दो इसे ओवर रात में। शांत बाबू, कानून से सही पहचान हो गई ना तुम्हारी। कानून को तो मैं अपनी चौपड़ में कोटियां बनाकर खेलता हूं। अभी मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ। तूने हजारों लोगों के बीच मेरा तमाशा बनाया था, ताऊ का तमाशा बनाया था। तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तेरी बहन मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसका वो हशर करूंगा कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी और वो खुद जीना नहीं चाहेगी। और हां, मैंने तेरी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुझे अपनी बहन को देखना है ना? जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कैसे जाने दू? तेरी ये दशा देखकर दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूं? तू उस हरामजादे प्रशांत की बहन है जिसने हजारों लोगों के बीच मेरे गरेबान पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबान पे हाथ डाला। मैं चाहूं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दूं, लेकिन ये सजा उसके लिए बहुत कम होगी। उसकी जान तो तुझ में फंसी हुई है, बहुत प्यार करता है वो तुझे। इसलिए मैं तुझे अच्छी तरह से सजा कर बतौर तोहफे के उसे पेश करूंगा। मैं तेरा वो रूप बना दूंगा जिसे देखकर उसकी रूह भी कांप उठेगी। इसके जिस्म पर प्रशांत की गुस्ताखियों का जवाब लिख दो। जिस बहन को वो दुल्हन बनाने का प्यारा सपना देख रहा है, उसे बाजार में बिकने वाला सामान बना दो। मैं बाजारू हूं, मैं बिकाऊ हूं, मैं तवायफ हूं। मेरी इज्जत से खेलो। इनका जिस्म इतनी बेरहमी के साथ हमेशा के लिए बिगाड़ दिया गया है कि ये बिल्कुल सुन्न हो गई हैं। ना कुछ सुनती हैं, ना कुछ बोलती हैं, किसी भी बात का कोई रिएक्शन नहीं। ये देखिए, शालू क्या हुआ? शालू, शालू, डॉक्टर
डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ? शालू कुछ बोलना। प्रिया ये कुछ बोलती क्यों नहीं? शालू कुछ बोल, शालू, शालू कुछ बोलना, शालू कुछ बोलना, शालू, शालू। डॉक्टर, इन्हें बहुत गहरी मानसिक चोट पहुंची है, होशो हवास खो बैठी है बेचारी। तुम भाई हो, शायद तुम्हारी आवाज सुनकर। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, तेरा भाई है ना। कुछ बोल शालू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं शालू? कुछ बोल ना, कुछ तो बोल शालू, बोल शालू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं शालू? शालू, शालू कुछ बोल, शालू, शालू, शालू कुछ बोल। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई, मेरी बहन जिंदा लाश बन गई। आप ठीक कहते थे सर, मेरा सच मेरी बहन के लिए अभिशाप बन जाएगा, बन गया ना। सच का दामन पकड़ा मैंने और उसे भुगत लिया मेरी बहन ने। अब और नहीं लड़ सकता, मैं अभी शालू को लेकर इस शहर से दूर चला जाऊंगा, सबको छोड़ दूंगा मैं। वो जैसी भी है, कम से कम जिंदा तो है। अपने आप को संभालो प्रशांत, ये दवाइयां प्लीज मंगवा लीजिए। नहीं भैया, ये लड़ाई तो तुम्हें लड़नी होगी। क्या तुम मेरे लिए सच के रास्ते से हट जाओगे? तुम्हारा सच मेरे लिए अभिशाप नहीं बना भैया, मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनूंगी। मैं जिंदा रह के तुम्हारे सच को अभिशाप नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी भैया, नहीं बनने दूंगी। ये लीजिए।
अबोध बालिका आयु केवल 18 वर्ष, बहुत यातना दी मैंने उसे, उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूँ प्रभु, मैं ही हूँ। एक कन्या की हत्या यानी 100 माता की हत्या, अब तो मेरा अंत होना ही चाहिए प्रभु। समझा तू मुझे मारना क्यों नहीं चाहता? मैं पापी हूं ही नहीं, जीवन मृत्यु तो सब तेरे हाथ में है। जो हो रहा है उसका कारण तू, जो होने वाला है उसका कारण तू, तो मैं पापी कैसे हुआ? जय हो दीन बंधु दीनानाथ, जय हो जय हो। ताऊ, तुम ये मौत को सर पे क्यों रखते हो? अगर किस दिन चल गया तो? लल्ला, तद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ, वो बछड़ा नहीं बनता। अरे लल्ला, तू लल्लू का लल्लू ही रहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। रिवॉल्वर असली है, गोली नकली है। खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो, सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपंग पुरुष डाक हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है, काल पुरुष। विद्वंस है, विद्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें, मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इन शोलों को, क्योंकि रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, क्या संघार कर दे उन पापियों का, रात कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। Thank you.
अर्धघंटे आयावर्ति शांत गति मम भ्रात्रे अस्ति विसर्जनम समर्पयामि सजलम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय यौ शांति शांति क्षत्वं शांति प्रसृति शांति नामा शांति शांति रापा शांति ब्रह्मा जन्मदिन मुबारक होता हूँ पंडित जी। क्या आई बधाई होता हूँ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी, ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से सातवें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, लारे लल्ला। सैंतीस साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी, इसके 37 साल मेरे खाते में आ गए। मामी जी, मैं खुद आऊंगा आपको लेने। अजी आप आइए तो सही। देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोक बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से, शाम को वो भी आ रहे हैं जलसे में। Yeah।
जाने जा। जो हो रहा है ना मुझे यहां देखकर, मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरे ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंसले ताऊ हंसले, ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। Thank you.
आग है ताऊ, इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं। तुम लोग यहां से फौरन चले जाओ। प्रशांत, ये क्या कर रहे हो? पगला गया क्या तू? प्रशांत, तू क्या करने वाला है? बेटा, ये क्या कर रहे तू? तेरे अखबार नवक्रांति का 25वां साल है ना आज, उसी की जुबली बनाने जा रहा हूं। इस अखबार ने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर 25 साल तक छापा है। इसी अखबार ने काली दुनिया के कितने गुनेगारों को शह दी। याद है पांडे, मैंने तुझे क्या कहा था? जिस दिन ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठेंगे, इनकी पकड़ में पहली गर्दन तेरी होगी। क्या करने वाला तू? चाहे तो कल से तू नौकरी पे आ जा। तू चाहे तो प्रेस तेरा है, अखबार तेरा है बेटा, तू अखबार कर। चाहे तो तू ये कुर्सी, कुर्सी तेरी है, तू कुर्सी का है, तो मुझे नहीं चाहिए। चाहे तो तू कुर्सी ले ले, तू तू कुर्सी का है, तू तू कुर्सी का है। तू क्या करने वाला है बेटा? ऐसा नहीं करते बेटा, तू कितना इंटेलिजेंट है। बेटा, ये क्या कर रहे तू? समझदार से काम ले बेटा, ऐसा नहीं करते। बेकार में डर रही है,
मैं तो तुझे नारी कल्याण केंद्र के लिए तैयार कर रहा हूँ। भरत भाई ने ट्रेनिंग के लिए तुझे भेजा मेरे पंखी चुड़िया। हेलो लल्ला की मौत मुबारक हो ताऊ। कौन बकवास कर रहा है? तेरा सर्वनाश पांडे और लल्ला के साथ तेरे साम्राज्य के विनाश की शुरुआत की है मैंने। अभी तो और कई आदमियों को कांधा देना है तुझे, क्योंकि जब तेरी बारी आएगी तो तुझे कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सरकारी कांधों पर जाएगा तू। प्रशांत ने लल्ला को मारकर मेरी हुकूमत को ललकारा है, ताऊ की हुकूमत को ललकारा है। ताऊ आप फिक्र मत कीजिए, प्रशांत ने आपके लल्ला को मारकर अपनी मौत का टोकन निकाला है। मैंने इस काम के लिए एक विलायती लल्ला का बंदोबस्त किया है। मौत की मशीन है वो। Thank you.
चमड़ी आखिर गोरी चमड़ी है, इसीलिए तो हिंदुस्तान में विलायती चीजों की कदर है। इंपोर्टेड। अब प्रशांत को शांत करना कोई मुश्किल नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो प्रिया, मेरे आसपास सपने और जिंदगी नहीं बल्कि मौत और दहशत है। मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूं वहां से लौट नहीं सकता। मगर प्रशांत, ये सब खून खराबा, ये काम तो पुलिस और कानून का है। कानून? अगर कानून जिंदा होता तो मुझे इस रास्ते पर आना ही क्यों पड़ता। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। मगर प्रशांत, इस तरह तो तुम उन्हीं लोगों जैसे हो जाओगे। क्या तुम्हारी आत्मा ये गवाह? मेरी आत्मा मर चुकी है प्रिया। प्रिया, ये लड़ाई अब मेरी बहन का इंतकाम नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी है। मैं ये सब नहीं चाहती प्रशांत, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। आत्मा से मरा हुआ प्रशांत क्यों चाहती हो प्रिया? मैंने इन आंखों से तबाही देखी है, तबाही। अब मुझे संघार करना है उन लोगों का जो इस तबाही के जिम्मेदार है। प्रिया, शालू जैसी और भी बहनों के साथ यही हुआ होगा, लेकिन उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। देखो देखो इस शहर को, गौर से देखो इस शहर को। लड़ूंगा मैं इस शहर के उन तमाम उजड़े हुए घरों के लिए जो फिर कभी बस नहीं सकते। बस प्रिया, तुम अपने ये आंसू रोक लो। औरत एक शक्ति होती है पुरुष के लिए, फिर तुम मेरी कमजोरी क्यों बन रही हो प्रिया? मुझे एक सपना समझकर भूल जाओ, भूल जाओ। जी।
मनिया सेठ से उठा साले के धंधे को। आंखें दिखाता है साले फोड़ दूंगा। देख इस तस्वीर को, पहचान रहा है? मतलब क्या है तेरा? ये मां है भारत मां, देख इसे कितना कोस रही है ये अपने आप को, कितनी शर्मिंदा है ये। मालूम है क्यों? क्योंकि इसे तुझ जैसे कपूत भी अपनी छाया में पालने पड़ रहे हैं। देखो पुलिस को अपना काम करने दो। तुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। इस मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है तुझे। ये मूर्ति क्या? तुझे इस धरती की मिट्टी को छूने का अधिकार भी नहीं है। खून किया तूने इस धरती की मर्यादा का। तेरा बच्चा तेरा कवच बन गया तावड़े। मैं इसे अनाथ नहीं करना चाहता, क्योंकि अनाथ क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुझ में थोड़ा सा भी जमीर बाकी है तो अपने बचे हुए दिनों में अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर लेना। शायद तेरी मां के दूध के एक कतरे का हिसाब तो मिल जाएगा। पापा, पापा इतने बुरे हैं आप। मैंने आपसे कहा था ना पापा, मैं सिपाही बनूंगा। अगर सिपाही आपके जैसा होता है तो मैं सिपाही कभी नहीं बनूंगा। 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 प्रशांत, तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो। आई विल हैव टू अरेस्ट यू। जुर्म क्या है मेरा? नव क्रांति की आगजनी, लल्ला की मौत। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मगर आज तुमने एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोका है, हाथ उठाया उस पर। अरेस्ट अब। नो सर, आप प्रशांत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक मैं कोई कंप्लेंट दर्ज ना कराऊं, आप कोई केस नहीं बना सकते। क्या कह रहे हो तुम? प्रशांत ने मुझे मारा नहीं है सर, मैं गिर गया था। प्रशांत ने तो आज मुझे उठाया है सर। ये आदमी शहर में अपराध पर अपराध किए जा रहा है। तुम्हारे बयान से हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते देशमुख। जब तक मैं ताऊ का नामो निशान ना मिटा दूं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्रशांत। बहुत देख चुका हूं मैं कानून का तमाशा। ताऊ का मामला पुलिस का नहीं, मेरा अपना है। जब तक ताऊ को मुजरिम नहीं करार दिया जाता, एक आम नागरिक की तरह उसकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। तुम ताऊ के आसपास कितने भी पहरे लगा लो कमिश्नर, कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, मगर मेरे हाथों उसकी मौत अटल है। ताऊ को खत्म करने के बाद मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे एक झूठ की वजह से हमें एक अपराधी को छोड़ना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है तावड़े। नहीं सर, शर्मनाक तो वो है जो आज तक होता आया है।
शर्मनाक है इस वर्दी को पहनकर ताऊ जैसे लोगों की गुलामी करना, इस वर्दी को गाली देना। सर, क्या चाहिए तेरे को? देखे नाकों में कितना क्रोध, कितनी नफरत है तेरे लिए। तू समाज का या मेरा गुनेगार नहीं, गुनेगार है तू इन औरतों का। तू मुझसे मत डर, डर इन औरतों से जो तेरी हैवानियत का शिकार हुई हैं। तुझे सजा भी यही देंगी। भतीजे की मौत मुबारक हो ताऊ। कानून के दलालों को खरीद कर आज तक तू अदालत से बचता आया था ना, मगर अब तेरा आखिरी फैसला
मेरी अदालत में होने वाला है, जहां का वकील भी मैं हूं, गवाह भी, जज भी, और तुझे फांसी देने वाला जल्लाद भी। मेरा मुकदमा और उसकी अदालत में पावड़ा हो गया है। वो मुझे मारेगा, ताऊ को मारेगा। उसकी ग्रह दशा बिगड़ चुकी है, शनि सर पर चढ़कर बोल रहा है उसके बेचारे प्रशांत की कुंडली। तो यहां कभी आने की हिम्मत नहीं करेगा सेठ। गलत, वो आएगा, उसे यहां आना है क्योंकि उसे यही मरना है। वो आ गया सेठ। कौन आ गया? मैं आया हूं सेठ, वो अंग्रेज होटल में सोया है, बोला है बाद में आएगा। उसे फौरन लेकर आओ। उसे समझाओ तो सही कि मैं प्रशांत की कैसी मौत देखना चाहता हूं। Ah!
प्रशांत आगे नहीं बढ़ना, गोली मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ना प्रशांत, गोली चल जाएगी। सिर्फ सीधी की है ताऊ, इसे तोड़ना अभी बाकी है। अपने गुनाहों का हिसाब कर ले ताऊ, वक्त बहुत कम है तेरे पास। Thank you.
देशमुख साहब, मैं ताऊ हूँ, ताऊ। क्या है इतने रात को? अरे देखता क्या है, खोल गेट। सांप सोता है। अरे हमको सांप से बहुत अर्जेंट बात करना है। ये तो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहना है, नहीं खोलेगा, आप जाओ। अरे तू खोलता है कि नहीं गेट? ना, नहीं खोलेगा। खोल गेट। बहादुर कौन है वहाँ? साहब ये ताऊ बोलता है, किधर लपड़ा करके आया मारा पीटी करके, टूटा फूटा मुख लेके, कपड़ा भी नहीं पहना ठीक से। अरे देशमुख साहब मैं ताऊ हूँ, ताऊ। अरे बहादुर आने दो उनको। बड़े साहब, देशमुख साहब, मेरे माई बाप, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देशमुख साहब, वो मेरी जान लेने पर तुला हुआ है, वो प्रशांत, उसने मुझे सीधा कर दिया। देखिए मेरे गर्दन, देखिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरी जान बच जाएगी, केस तो मैं कोर्ट में भी लड़ लूंगा। मुझे बचा लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। चलिए, जो काम देश विदेश के डॉक्टर नहीं कर सके वो काम प्रशांत ने कर दिया। आप सीधे तो हो गए। Oh!
प्रशांत। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।